92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज नमस्कार 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। अक्सर अपने आसपास सड़क पर जाते हुए हम बहुत सारे बेसहारा बुजुर्ग बीमार लोगों को देखते हैं। उनको देखकर हमें दुख होता है, मन उदास होता है, लेकिन भारी मन के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। इससे ज्यादा हम उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ने के बजाय वहीं रुकते हैं, उन बेसहारा लोगों का हाथ थामते हैं, उन बीमार लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही लोग बन जाते हैं बिग हीरो। और आज के हमारे ऐसे ही बिग हीरो हैं रवि कालरा जी। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। रवि जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि दिल्ली वालों को अपना परिचय आप खुद दें, आप क्या करते हैं। जी, मेरा नाम तो रवि कालरा है। वैसे मैं 46 इयर्स का हूँ। पहले तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, और उससे पहले मैं मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर था, और मैं आर्म फोर्सेस को और पुलिस बटालियंस के लिए इंसेंटिव ट्रेनिंग कोर्सेज होस्ट करता था, और बहुत सारी कंट्रीज की नेशनल टीम्स को भी अनआर्म कॉम्बैट सिखाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, तो उस दरमियान कोई मैं ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया, लेकिन सेवा की हमेशा से तड़प थी, और बहुत दुखी रहता था कि लोग सड़कों के ऊपर कचरा खाते हैं या बिना कपड़ों के घूमते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो सन 2007 में मैंने अपना जीवन दान दे दिया, और मैक्सिमम कंफर्ट सब खुशी खुशी छोड़ दिए, और अपने आप को सेवा में समर्पित कर दिया। 24 घंटे उन लोगों को रेस्क्यू करना रोड से, फिर उनको खाना देना, उनको दवाइयाँ देना, उनको हॉस्पिटल्स में लेके जाना, उनकी फैमिलीज ढूंढना, उनको यूनाइट कराना, फिर उनकी काउंसलिंग करना, उनको तीर्थ यात्राओं पे लेके जाना, पीठ पर उठाकर हरिद्वार, मनसा देवी, कुछ लोगों को स्ट्रेचर के ऊपर, कुछ लोगों को व्हील चेयर के ऊपर, तो बिल्कुल समय नहीं मिलता अपने लिए। आपने सुना कितने सारे काम रवि कालरा जी अकेले करते हैं। अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन इनकी संस्था है, जिसमें जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि बहुत सारे बेसहारा लोगों की मदद ये लोग करते हैं, रेस्क्यू करते हैं सड़क से, और उन लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं। और क्या क्या काम होता है अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन में, और कैसे इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, क्या था वो एक मोमेंट जिसने रवि कालरा जी को सेवा के इस रास्ते पर ला दिया, ये सब मैं जानूंगी इनसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूँ रिचान रुद। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, और आप सुन रहे हैं मेरा वीकेंड स्पेशल शो बिग हीरोज। और आज के हमारे बिग हीरो हैं अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन के फाउंडर रवि कालरा जी। रवि जी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, उसमें सबसे अहम है सड़क पर बेसहारा बुजुर्गों और बीमार लोगों की मदद करना, उन्हें रिहैबिलिटेट करना। रवि जी, ये ख्याल आपको कब और कैसे आया? मुझे पता चला एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी जिंदगी में हुआ जिसने आपको समाज सेवा के रास्ते पर ला दिया। जी, ऐसे था, ओवर द ईयर्स जैसे मैं बहुत सारी कंट्रीज में गया, उस दरमियान मैं आफ्टर मार्शल आर्ट प्रोफेशन मैं सक्सेसफुल इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी था, और जो सोल्जर्स प्री रिटायरमेंट ले लेते हैं उनको मैं यूएस फोर्सेस के साथ काम करने के लिए अफगानिस्तान और इराक में रिक्रूट करता था। और उस दरमियान मैं वॉर जोन में गया, मैंने अपनी आँखों से लोगों को टुकड़ों में बनते हुए देखा, तो शायद ऐसे लगता था कि भगवान जी बहुत पत्थर दिल बना रहे हैं। और उस पत्थर दिल के बनते बनते 2007 के अंदर जब मैंने दिल्ली के अंदर एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते के बच्चे को एक साथ कचरे में से खाता हुआ देखा, तो वहीं मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया और अपने सारे कंफर्ट्स भी छोड़ दिए। माय गॉड, तो एक गरीब बच्चे और एक कुत्ते को साथ खाते हुए देखना आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ले आया। बिल्कुल, और ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें हम अपने आसपास हर रोज़ देखते हैं, लेकिन या तो आँख मूंद लेते हैं या देखकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं। रवि कालरा जी जैसे लोग
उसी घटना को अपनी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग इवेंट बना लेते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन की शुरुआत की उस एक घटना के बाद, तो क्या क्या काम करती है इनकी ये संस्था, ये मैं इनसे जानूंगी बस कुछ ही देर में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज़। आज के हमारे हीरो हैं रवि कालरा और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और मैं लेकर हाजिर हूँ हमारा वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। और आज के हमारे बिग हीरो हैं रवि कालरा जी, जो कि सड़क पर बेसहारा बीमार लोगों की, खासकर बुजुर्गों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उनको देते हैं एक नई जिंदगी। रवि जी, आपकी जो संस्था है अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन जी, और क्या क्या काम करती है संस्था? एक्चुअली हमारी संस्था 2007 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज्ड हो गई, और वैसे तो हम खुद ही सड़कों से रेस्क्यू करते हैं लोगों को, उनको रहना देते हैं। तो एक मैंने गुरुकुल की स्थापना की, तो उसमें अभी ऑलमोस्ट कोई 300 लोग रेस्क्यू किए हुए सड़कों से परमानेंट रहते हैं, और उनको रेस्क्यू करके हमारे गुरुकुल में लेके आते हैं। तो अब ओवर द ईयर्स वहाँ पुलिस भी लेके आने लगी, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से भी आने लगे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी आने लगे, और जो शाहदरा में जो मेंटल डिसेबल लोगों का हॉस्पिटल है वहाँ से भी हमारे यहाँ रेफर होते हैं, और बहुत से ऐसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के वहाँ सब से भी पेशेंट ऐसे जिनके बच्चे उनको हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गए, वो पेशेंट बेड रिडन हो गए या फिर कोमा में चले गए। तो ऐसे लोगों को जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती हैं और हॉस्पिटल्स को हमेशा बेड की बहुत नीड रहती है, तो वो हमारे यहाँ रेफर कर देते हैं। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर मैं नॉइस पोल्यूशन के बहुत चिंतित रहता हूँ मैं, कि हमारी कंट्री की बहुत इंसल्ट होती है जब फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो बोलते हैं हम किस फिश मार्केट में आ गए, हमारी कंट्री में हम एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते हैं। तो जो नॉइस पोल्यूशन का मैंने अभियान एक शुरू किया 2008 के अंदर, जिसमें हम गाड़ियों के बम्पर्स पर डू नॉट हॉर्न का स्लोगन लगाते हैं, और हम बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं शमशान घाट में जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर लकड़ी से डेड बॉडीज़ को जड़ाया जाता है, तो उससे इन्वायरमेंट का बहुत हनन होता है, पेड़ भी कटते जा रहे हैं। तो हम चिताओं पर खड़े होकर प्रोटेस्ट करते हैं, और उस पर मैंने एक स्लोगन भी दिया कि पेड़ बोला हे मानव मेरी हत्या क्यों करते हो, मेरा क्या कसूर है, मैं तो आपको जीने के लिए ऑक्सीजन छाया और फल देता हूँ, इसलिए पेड़ की चिता जलाना घोर अपराध है। तो हम इलेक्ट्रिक क्रिमेशन को प्रमोट करते हैं और लोगों को जागृत करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक के जाइए, उसमें भी विधि विधान से आप क्रिमेशन कर सकते हैं, तो लकड़ी से नहीं जलाना चाहिए। रवि जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इतना सब काम करते हैं तो आपकी संस्था का खर्चा कैसे चलता है? ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्योंकि एक्चुअली बहुत टफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई डिप्रेशन नहीं है। हर रोज खुद ही जैसे बोलते हैं कुआं खोदना पड़ता है, हेल्प को रेस करना पड़ता है। तो ओवर द इयर्स जो जो लोग हमारी संस्था से जुड़ गए वो लोगों ने कुछ महीना बांध दिया, जैसे किसी ने 500 रुपये महीना, किसी ने 1000 रुपीस, किसी ने 5000, ऐसे हम 50% सिक्योर्ड हैं, इसलिए वहाँ कभी सेवा नहीं रुकती और कोई डिप्रेशन भी नहीं है। वाकई रवि जी, सलाम करने को जी कर रहा है आपको, क्योंकि समाज के लिए इतना सोचना किसी एक व्यक्ति के लिए। लेकिन एक बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, रवि जी ने जब बताया कि जब ये बेसहारा लोगों को रेस्क्यू करते हैं तो आमतौर पर हमारी सोच होती है कि जो सड़क पर बेसहारा घूम रहे हैं वो कोई ना कोई गरीब होंगे, अशिक्षित होंगे, लेकिन कई बार इन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी कहानी इन्हें भी चौंका देती है। कुछ ऐसी ही कहानियां इनसे सुनूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा ये वीकेंड स्पेशल बिग हीरोज। मैं हूं रचान रुद। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और ये है हमारा वीकेंड स्पेशल शो बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर। बिग हीरोज यानी वो लोग जो हमारे आसपास ही रहते हैं, उन्हीं हालातों में जीते हैं जिनमें हम और आप जीते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं समाज के लिए, दूसरों के लिए, जो इन्हें आपसे और हमसे अलग कर देता है और इन्हें हीरो बना देता है। हमारे आज के हीरो हैं रवि कालरा। हीरो इसलिए हैं क्योंकि ये सड़क पर अपने आसपास बेसहारा लोगों को देखकर
अपना मुंह नहीं पलटते, ये जाते हैं, उन लोगों का हाथ थामते हैं और उन लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं। रवि जी, जिस तरह के लोगों से आपकी मुलाकात सड़क पर होती है, कई बार चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली कहानियां सुनने को मिलती होंगी। बिल्कुल, कभी कभी तो दिल दहलाने वाली इंसिडेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आधी आधी रात को जाकर लोगों को सड़क पर ढूंढता हूँ, तो ऐसी एक बार एक सर मिले और वो बहुत ही बुरी हालत में थे, बहुत स्टिंकिंग स्मेल आ रही थी उनसे। और फिर जब उनसे बातें शुरू की तो देखा कि उनके नाखून बहुत बड़े बड़े थे, बाल बहुत बड़े बड़े थे। और जब बात करनी शुरू की तो पता लगा कि वो सर बहुत अच्छी फैमिली से हैं। और मैं रेस्क्यू करके उनको अपने गुरुकुल में ले आया, थोड़ी दवाई दी, थोड़ा स्पंज किया, उनको जान में जान आई, तो मालूम लगा कि वो सर रिटायर्ड जज हैं। ओह माय गॉड। और वो 2 साल से सड़कों के ऊपर घूम रहे थे और आफ्टर रिटायरमेंट उनके बच्चों ने उनके पैसे और प्रॉपर्टी लेकर उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया। और फिर पता लगा कि वो सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं और उनको अब हमारे गुरुकुल में रहते हुए 3 साल हो गए हैं और वो बहुत खुशी से रहते हैं। बहुत सारी बार जब आप सड़क पे जाते हैं, मतलब हम सब देखते हैं तो लगता है कि कोई आदमी बड़े बालों में है, कचरे के पास बैठा है या खा रहा है, तो हम सोचते हैं भिखारी होगा, छोड़ो भिखारी को क्या हेल्प करना। लेकिन जब आप गाड़ी रोककर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये भीख तो मांग ही नहीं रहे हैं। और फिर जब आप बात करेंगे तो जैसे मैं बात करता हूँ तो कुछ लोग ऐसे ही मिले जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, गैजेटेड ऑफिसर, कुछ लोग आर्मी मैन, कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ एजुकेशनिस्ट, इनफैक्ट IAS ऑफिसर्स तक मैंने सड़कों से रेस्क्यू किए हैं। और कुछ ऐसे जो मानसिक रूप से बीमार थे, कुछ इंसिडेंट्स हो गए जैसे नौकरी चली गई या नौकरी नहीं मिली और या फिर बच्चों ने घर से निकाल दिया और उनका दिमाग एकदम आउट हो गया, ऐसे लोग तो बेचारे हैं, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। और वो सड़कों पर घूमते हैं, हम सब उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं, तो मैं उनको ले आता हूँ। उन सब की दिन रात सेवा होती है। अभी 8 साल में 1 सेकंड भी भगवान जी की दया से हमारी संस्था बंद नहीं हुई है। जो IAS ऑफिसर्स वगैरह के लिए कहा, तो वो लोग भी क्या करते हैं आप क्या रहकर? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक हो जाते हैं तो फिर उनकी फैमिलीज ढूंढते हैं, उनको यूनाइट करा देते हैं। अच्छा। तो मैक्सिमम लोग तो ट्रॉमा में ही होते हैं, या 80 ईयर्स एज है, 90 ईयर्स है, तो वो तो बेचारे कोई काम ही नहीं कर सकते या हाथ पाँव काम नहीं करते। हाँ, ऐसा एक इंसिडेंट था बहुत अच्छा कि जब मैं रोड से हम रेस्क्यू कर रहे थे कि कोई सर है, उनका नाम है मिस्टर अमृत जोशी, वो US में रहते थे और वहाँ पर 6 महीने खूब मेहनत करते थे, कमाते थे और 6 महीने बाद इंडिया आते थे, अपनी फैमिली को सारे पैसे दे देते थे। अब वो इस बार जब US से आए 6 महीने बाद तो उनको पैरालाइज अटैक हो गया। अब उनकी फैमिली ने 5-6 डॉक्टर्स को दिखाया तो सब डॉक्टर्स ने बोला कि ये लाइफ में कभी नहीं ठीक हो सकते। तो उनकी फैमिली दिल्ली में उनको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट लेके आए और वह एडमिशन करा के भाग गए उनको छोड़कर। अब हॉस्पिटल वालों ने उनकी 1 महीने खुद सेवा की और हॉस्पिटल को हमेशा बेड चाहिए होता है, तो हॉस्पिटल वालों ने हमें रेफर कर दिया ऐसे केस। अब जब वो हमारे गुरुकुल में आए तो भगवान जी की इतनी दया रही, हमने इतनी सेवा की कि जिन डॉक्टर्स ने बोला था वो कभी नहीं ठीक हो सकते और हमारे यहाँ बिना दवाइयों के वो 4 महीने में ठीक हो गए। और वो बिल्कुल ठीक हो गए, बोलने भी लग गए, चलने भी लग गए। अब वो बार बार बोले कि मैं US से हूँ, मैं US सिटीजन हूँ, तो एक दिन मेरे से रहा नहीं गया और फिर मैंने US एम्बेसी के सिटीजन हेल्पलाइन सर्विस पर फोन किया और फिर US एम्बेसी से उनके सीनियर डिप्लोमेट्स आए वहाँ पर। और जब मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में और अपने सोर्सेज से सारा चेक किया और फिर बताया कि वो तो बोनोफाइड US नेशनल है। और फिर विद इन फ्यू आवर्स उनका पासपोर्ट बना दिया और वो वापस US चले गए। वाकई बहुत दुख लगता है और बहुत अनफॉर्चुनेट है ये कि अगर अपने बुज़ुर्गों की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन मैं अपने सब लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि हज़ारों लोगों के अंतिम संस्कार रवि कालरा जी अकेले कर चुके हैं और ख़ुद हर महीने हरिद्वार जाते हैं ये सब लोगों की अस्थियाँ लेकर, ताकि जो भी, चाहे बेसहारा हो चाहे लावारिस हो, लेकिन मौत के बाद उसको वो संस्कार मिले जो हम में से हर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है। रवि जी, ऐसा लग रहा है कि आपसे बस बातें करती रहूं, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं आप मुझे और हमारे लिसनर्स को भी, लेकिन वक्त की कमी है, आपसे इजाज़त लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें हमें बताई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोग जानें कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे या आपकी मदद के लिए आगे आना चाहे तो वो आपसे जुड़ पाए। आप कोई अपना नंबर छोड़कर जाना चाहेंगे ताकि कोई आपको कॉल लगा सके? अगर आपको कोई ऐसे दुखी, गरीब, मानसिक रूप से बीमार या फिर डेथ बेड के ऊपर या बेड रिडन या
घर में उनको नहीं सेवा कर पा रहे हैं, ऐसी कोई मिले तो आप प्लीज़ हमारे गुरुकुल में ले आएँ। वहाँ पर एडमिशन 24 आवर्स खुला रहता है, वहाँ सब कुछ सारी सुविधाएं फ्री मिलती हैं। और इसके लिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो मेरा ही मोबाइल नंबर है जो 24 आवर्स चलता है, यू कैन टेस्ट मी एनी आवर। और जो मेरा नंबर है वो है 9818171695। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश करूंगी आप लोगों से कि कहीं सड़क पर बेसहारा बुजुर्ग दिखे तो उन्हें जरूर रवि जी के गुरुकुल ले जाएं, लेकिन अपने घर के बुजुर्ग को बेसहारा मत कीजिएगा। इसी के साथ आज इस वीकेंड स्पेशल में ऋचा अनुरुद्ध को दीजिए इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज़।